अब्बास जी इस समय चुनाव की 2022 के चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के बारे में आपको क्या कहना है? मेरे को ये कहना है कि जो चुनाव जाए, एक मैं पिछले 10 दिन से एक चीज देख रहा हूँ, वो योगी जी और जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, एक बात करेंगे साहब हमारे राज्य में दंगे नहीं हुए। तो मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ बहन जी की जो सरकार बनी 2007 में, वो उसका एक बता दें कहीं दंगा हुआ हो, कोई कहीं कुछ किसी कोई मंदिर तोड़ा हुआ है, कोई मस्जिद तोड़ी गई हो, कोई ऐसा काम नहीं। बहन जी की सरकार इतनी बढ़िया चली, आज तक कोई सरकार चली नहीं। और मैं आगरा में रहता हूँ, आगरे का गलत ये है कि आगरे की नौ विधानसभा सीट पर जाटव समाज का वोट जो बहन जी का समाज है उसका हर सीट पर अच्छी खाली संख्या में वोट है, हर समाज का वोट है। और उसका नाम क्या है, आगरा के अंदर बीजेपी की जो हमारी फाइट है, बीजेपी की फाइट बसपा से ही आगरा में। बाकी लोग कुछ भी कहते रहे, अफवाह उड़ाते रहे, क्योंकि मीडिया तो भाई मोदी का खरीदा हुआ है, मीडिया पूरी तरह फुल उसमें है, अखबार भी वही छाप रहा है जो ये लोग चाह रहे हैं। तो उस मैं अपील करता हूँ जनता से कि इनकी बातों में ना आए, अपने काम पर ध्यान दें, और सबसे पहले सुबह उठकर खाना बाद में खाएं, पहले वोट डालने जाएं और हाथी का बटन दबा करके बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करें। चौधरी अलीमुद्दीन नाम है मेरा। अलीमुद्दीन जी, जो 2022 के चुनाव चल रहे हैं और जो मौजूदा सरकार रही उसने क्या क्या विकास कराए कि नहीं कराए, इस विषय में आपको क्या कहना है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, विकास तो इतना बढ़िया हुआ है कि 2 करोड़ नौकरियाँ मिल गई, 15-15 लाख रुपए मिल गए, 15 दिन में जो गड्ढे जो भरने के थे वो भी भर गए, फिर भी लोग गड्ढों में गिर रहे हैं और बेरोजगार जो है बेरोजगारी के लिए ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मिल चुके हैं ना इनकी तरफ से, तो सब कुछ पूरा हो चुका है, सारे लोग खुशहाल हैं यूपी के। विकास तो इतना हुआ है भाई, विकास इतना हुआ है कि 2 करोड़ उन्होंने नौकरी का वादा करा, वो इन्होंने दे दी, फिर भी बेरोजगार हैं लोग नौजवान। और जो एक बात की 15 दिन में गड्ढे भर जाएंगे, तो गड्ढे सबरे भर चुके हैं, फिर भी महिलाएं बच्चे गड्ढों में गिर रहे हैं, ये विकास हुआ है। अब बात रही क्या नाम है, वो क्या नाम है, महंगाई कम होने की, तो महंगाई इतनी बढ़िया हो गई है, 200 रुपये सरसों का तेल है, आलू इतना महंगा, दाल इतनी महंगी, चावल इतने महंगे, सारे सब चीज़ें महंगी, सारा इतना बढ़िया विकास हुआ है, तो इससे बढ़िया क्या और क्या विकास होगा? बीजेपी को डलवा दे नहीं, इस बार जो है 350 का नारा दे रहे हैं, तो आपके 350 रुपये तेल हो जाएगा, 350 रुपये सरसों का तेल होगा, 350 रुपये पेट्रोल होगा, 350 रुपये क्या नाम है वो होगा, क्या नाम डीजल, तो इससे बढ़िया और विकास होगा? जनता तो यही चाहती है ना, ये चाह रहे हैं कि ये लोग जनता को हम जो बोल रहे हैं 350 के पार, तो वो 350 के पार जो सीट का नहीं बता रहे हैं, ये 350 के पार हमें वोट दो और 350 के पार आपसे हमसे पेट्रोल लो और 350 के लिए हमसे सरसों का तेल लो, तो ये विकास है ना इनका, हमारे बाबा योगी जी का, हमारे बाबा योगी जी बैठे हैं, ये विकास कराए। तो मैं अपने उत्तर प्रदेश की जनता को ये समझाना चाहता हूँ कि इस विकास को देखेंगे, 2007 में जो हमारी बहन कुमारी मायावती जो कल आगरा में आई थी, इतनी बढ़िया तरीके से समझा के गई हैं, अब आप इस चीज़ इसी से समझ जाइए कि उत्तर प्रदेश में कौन सा विकास आपको अच्छा लग रहा है और 2007 में कौन सा विकास बढ़िया था। तो साथियों, बहुत बेवकूफ़ बन लिए, अब उसको बेवकूफ़ बनना बंद करो, अब अपना वोट की अधिकार के लिए सोचो कि कहाँ वोट हमें डालना है और बहन जी को भारी बहुमत से इस उत्तर प्रदेश में लाना है। और आगरा के अंदर 9 की 9 सीट जीत रहे हैं और उत्तरी विधानसभा से भाई शब्बीर अब्बास, इनको चांस दिया, बहन जी ने आशीर्वाद दिया है, भारी मोहम्मद से विजय होने जा रहे हैं। धन्यवाद।